हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल चिट चैट विद रुचि एंड स्मृति। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को। तो आज आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही अच्छी मसाला पापड़ कोन की रेसिपी, जो बनने में एकदम टाइम नहीं लगता है इसमें और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है और बहुत ही चटपटा स्टार्टर है ये। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 3 से 4 पापड़ लिए हैं। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, 2 पार्ट में इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे, जैसे सेमी सर्कल का शेप होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जो हमारे पापड़ हैं उनको हमको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये बहुत आसानी से हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, देखिए। और अब हम अपने पापड़ों को तवे पे इस तरह से रोस्ट करेंगे। किचन टॉवल से या आप स्पैचुला से भी ऐसे प्रेस कर करके आप इसको अच्छे से अलट पलट करके आपको इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, सेक लेना है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसके जो कोन है 2-3 तरीके से बनाना बताऊंगी। अगर विंटर सीज़न है तो देखिए हम ऐसे हाथ से ही फोल्ड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर समर का सीज़न है तो ये गर्म लगता है हमको, तो फिर हम किचन टॉवल का यूज़ करके इसके आसानी से कोन बना सकते हैं। तो उससे हमारे हाथ भी नहीं जलते हैं और बहुत ही आसानी से हमारा कोन बन के तैयार हो जाता है। कैसे बनाएंगे हम, तो ये पापड़ मेरा यहाँ रोस्ट हो गया है और अब मैं इसको अपने किचन टॉवल पे इस तरह से रख के और ऐसे कोन का शेप दूंगी। देखिए ये रेडी हो गया हमारा। ये फ्रेंड्स, इसको एक बार मैं इस प्रोसेस को आपको दोबारा से रिपीट करके दिखाती हूँ। मैं फिर से इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और देखिए किचन टॉवल पे मैंने निकाल लिया और इस तरह से इसका मैं कोन बना के रेडी कर लूँगी। इसका एक तरीका और भी है फ्रेंड्स कि जैसे अगर आपको किचन टॉवल पे नहीं निकालना है या अपने हाथ से ही इसको कोन का शेप दे रहे हैं, तो आप इसको ऐसे छोटे से ग्लास में भी रख सकते हैं, वहाँ ये आराम से सेट हो जाता है। तो इसमें यह कि आपको इतनी देर पकड़ के नहीं रखना है। देखिए इसमें भी हमारा जो पापड़ का कोन है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, देखिए। अब फ्रेंड्स, ये एक थोड़ा सा मैं यहाँ पापड़ की कटोरी बना रही हूँ, तो पापड़ को हमें इस तरह हमें कट करना है और इससे जो हमारा बन जाएगा थोड़ा कटोरी जैसा शेप आ जाएगा पापड़ का, तो उसमें फिलिंग भी ज़्यादा आ जाती है। इसको भी इसी तरह से सेम प्रोसेस से हम ऐसे प्रेस करके रोस्ट करेंगे। और अब देखिए इसको अब हमें फोल्ड करना है, तो इसको हम इस तरह से, देखिए इस तरह से हमें कटोरी का शेप देके इसको फोल्ड करना है। फिर से मैंने पापड़ को यहाँ हाफ कट लगाया है, देखिए इसको भी मैं रोस्ट करूँगी। और इसको भी आप ऐसे ग्लास में रख के उसकी हेल्प से आप यहाँ पर रख के इसको ऐसे छोड़ दीजिए, तो 30 सेकेंड में ये अच्छे से सेट हो जाता है। क्योंकि कई बार होता है ना, हाथ में गर्म लग रहा होता है तो बस हमने रोल किया और हमने उसको छोड़ दिया वहाँ पे। तो देखिए मेरा यहाँ पे पापड़ कोन और कटोरी रेडी हो गई है। अब फिलिंग के लिए मैंने यहाँ टमाटर लिया, उसको फाइनली चॉप कर लिया है, और एक मीडियम साइज़ का ही मैंने यहाँ पर प्याज लिया था, उसको भी मैंने ऐसे फाइनली चॉप करके रखा है, और एक यहाँ पर मीडियम साइज़ का ही मैंने यहाँ कोकम्बर लिया है। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जैसे आपके मन करे। या मैंने 1 कप बॉयल कॉर्न भी लिए हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर लूँगी। स्पाइसेस ऐड करते हैं, तो यहाँ 1/2 चम्मच मैंने सॉल्ट लिया है, 1/2 चम्मच ही मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, और अब यहाँ 2 चम्मच मैंने यहाँ पे हरी चटनी डाली है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसमें मुरमुरे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे भेलपूरी बनाते हैं तो वो फीलिंग भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा वेरिएशन देना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने यहाँ 1.5 चम्मच नींबू का रस लिया है, उसको भी मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। और देखिए अब हम अपने पापड़ कोन को फिल करना स्टार्ट करते हैं। इसको इस तरह से हमको फिल करना है और ऊपर से थोड़ा सा हम यहाँ पे भुजिया स्प्रिंकल कर लेंगे। आप 0 नंबर वाले सेव भी इसमें आप ऊपर से कर सकते हैं स्प्रेड, बड़े अच्छे लगते हैं, या कोई और नमकीन है। तो इस तरह से हम अपने सारे जो हमारे कोन हैं और कटोरी है उसको हम फिल करके रेडी करेंगे सर्व करने के लिए। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि जब आपको सर्व करना है तो बस 5 मिनट पहले ही आपको ये सारी फिलिंग ऐड करनी है, क्योंकि हम ज़्यादा देर रख के छोड़ देंगे तो हमारा जो पापड़ है वो सोगी हो जाएगा। तो ये इंस्टेंट ही आपको सर्व करना होता है। बस आप पापड़ के कोन बना के पहले से रख सकते हैं, फिलिंग बना लीजिए, बस उसको उसमें फिल करना है और सर्व कर देना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो रेडी हो गए हमारे अब यम्मी मसाला पापड़ कोन।